हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ अंकिता डिमर फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालय स्टैंडर्ड 7। हमारा चैप्टर का नाम क्या है? प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। ओके, तो हमें अगले वीडियो में एक्सरसाइज 10.4 में क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 किए थे। क्वेश्चन 3 मैंने आपको होमवर्क में दिया था, आपने किया, आपने सोचा उसका आंसर क्या होगा? कोई बात नहीं, हम करें। ओके, क्वेश्चन 3 में यहाँ पे ट्राइंगल डी ई एफ हमें ड्रॉ करना है और यहाँ पे हमें दिया है ई एफ इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर, मेजर एंगल ई इक्वल टू 110 डिग्री एंड मेजर एंगल एफ इक्वल टू 80। जस्टिफाई योर आंसर। तो फर्स्ट हम रफ फिगर बनाएंगे। हमें क्या बनाना है? ट्राइंगल डी ई एफ बनाना है ना, और हमें ई एफ 7.2 सेंटीमीटर दिया है, एंगल हमें 110 बनाना है और एंगल एफ 80 डिग्री बनाना है। तो आपको पता है ये जो हो सकता है, आपको एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या होती है, तीनों एंगल का आप सम करोगे तो क्या होगा? 180 होगा ना। ओके, तो यहाँ पे दो एंगल है, 110 एंड 80, दोनों का आप एडिशन करोगे तो 190 होगा। तो ये पॉसिबल है? नहीं है ना। क्यों? एंगल सब प्रॉपर्टी में क्या है, तीनों एंगल, सपोज फॉर एग्जांपल मेजर एंगल डी प्लस मेजर एंगल ई प्लस मेजर एंगल एफ इक्वल टू 180 डिग्री होता है ना। यहाँ पे हमें दो एंगल का हमें सम किया तो 190 होगा, बढ़ गया ना, तो ये जस्टिफाई नहीं होगा। ओके, तो आंसर हमारा नो होगा ना। ओके, क्यों? आपको बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल में क्या है, मेजर एंगल डी प्लस मेजर एंगल ई प्लस मेजर एंगल एफ इक्वल टू 180 डिग्री है। ओके, तो यहाँ पे मेजर एंगल डी एंगल फाइंड करना है, ई है 110, एफ है 80 डिग्री इक्वल टू 180। अब हमें क्या करना है, दोनों का हम एडिशन करेंगे, 190 होगा अपॉन इक्वल टू 180। मेजर एंगल डी इक्वल टू यहाँ पे 180 एडिटिव, यहाँ पे प्लस 190 है, साइड चेंज करेगा तो माइनस साइन होगा ना, तो यहाँ पे 180 में से आप 190 करोगे तो माइनस 10 होगा, तो एंगल नेगेटिव में होता है? नो, बिकॉज एन एंगल कैन नॉट बी नेगेटिव, सम ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट। ओके, समझ में आया ना। Constructing a right angle triangle when the length of one length and its hypotenuse are given, यानी RHS criteria, R यानी right angle, H यानी hypotenuse, S यानी side। Okay, here it is easy to make the rough sketch. Now draw a line as per the given side. हमें साइड भी दी है ना। Make a right angle on one of its points. Use compass to mark length of side and hypotenuse of the triangle. Complete the triangle. Consider the following. तो हमें rough sketch first बनाना है, फिर हमें triangle ड्रॉ करना है। ओके, तो यहाँ पे हमें एग्जांपल 4 दिया है,
एग्जाम्पल फोर में क्या है, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल एल एम एन राइट एंगल एंड इट एम गिवन दैट एल एन इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड एम एन इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो हम रफ स्केच ड्रॉ करें तो आपको पता है राइट एंगल ऐसा होता है ना, हमें एल एम एन फाइंड करना है, एल एम एन। तो यहाँ पे एल एन हमको 5 सेंटीमीटर दिया है, ओके, एम एन 3 सेंटीमीटर और एम राइट एंगल है, ओके, यानी 90 डिग्री। स्टेप वन क्या है, ड्रो अ रफ स्केच एंड मार्क द मेजर, रिमेम्बर टू मार्क द राइट एंगल, ओके। रफ स्केच हमें बनाया। स्टेप टू में क्या है, ड्रो एम एन ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर, हमें ड्रो क्या करना है, एम एन 3 सेंटीमीटर ड्रो करना है। तो करें स्केल का यूज करके हमें क्या करना है, ड्रो करना है एम एन 3 सेंटीमीटर, ओके। तो आप स्केल का यूज करके 3 सेंटीमीटर, ओके, एम एन हमारा है 3 सेंटीमीटर, ओके। नेक्स्ट हमें क्या दिया है, स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या है, एट एम ड्रो एम एक्स एम एन, यहाँ पे परपेंडिकुलर है एम एन, एल शुड बी समवेयर ऑन दिस परपेंडिकुलर, यहाँ पे 10.7 फिगर में दिया है हमको। तो हमें क्या करना, एम एन हमें ड्रॉ किया, फिर एम एक्स एम एन परपेंडिकुलर है ना, 90 डिग्री हमें एंगल बनाना है। तो हम कैसे बनाए, राइट एंगल बनाना है एम से, तो हम कोई भी मेजर लेंगे, ओके, और एम से हम ड्रॉ करेंगे, फिर यहां से हम वन आर्क लगाएंगे, फिर यहां से सेकेंड आर्क। अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट और दोनों पॉइंट में से आर्क लगाएंगे, फिर हमें लाइन ड्रॉ करेंगे, ओके। ओके, तो यहाँ पे जो पॉइंट है, ओके, कोई भी हम रेडियस लेके हम आर्क ड्रॉ करेंगे, फिर फर्स्ट सेकंड दोनों का हम यहाँ पे एक पॉइंट बनाएंगे। अब हम लाइन ज्वाइन करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, ओके, की लाइन ड्रॉ, ये हमारा 90 डिग्री एंगल हो गया, ओके। फिर क्या करना है, विद स्टेप 4 में क्या करना है, विद एन एस सेंटर ड्रो एन आर्क ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, एल मस्ट बी ऑन दिस आर्क सिंस इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम एन। तो हमें 5 सेंटीमीटर का रेडियस लेंगे, इसी तरह हम 5 सेंटीमीटर का मेजर लेंगे। अब हम एन से आर्क लगाएंगे यहाँ पे, ओके, 5 सेंटीमीटर रेडियस का, ओके। फिर क्या करना है स्टेप 5 में, एल एस टू बी ऑन द परपेंडिकुलर लाइन एम एक्स, ओके, एस वेल एस ऑन द आर्क ड्रॉ विद सेंटर एन, देयरफॉर एन इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ दिस टू ट्रायंगल एल एन
square is now obtained. तो यहाँ पे हमें क्या किया, इजी है, कुछ भी नहीं है. 3 सेंटीमीटर 90 डिग्री का एंगल बनाया, फिर एंड से लेके हम एक आर्क लगाया 5 सेंटीमीटर. अब हमें क्या करना है, ये पॉइंट का हमें नाम देंगे एल. अब हम लाइन ज्वाइन करेंगे तो हमारा ट्रायंगल एल एम एन बन जाएगा. ओके, इजी है. कोई आपको डाउट होता मुझे पूछ सकते हो, इजी है. आपको इजीली इस टॉपिक में समझ आ गया होगा. ओके, यहाँ पे हमें रफ फिगर ड्रॉ की. ओके, एलिमेंट बनाना है. फर्स्ट हमें एम एन ड्रॉ किया 3 सेंटीमीटर, फिर हमें 90 डिग्री का एंगल बनाया, फिर क्या किया एन से हम 5 सेंटीमीटर आर्क लगाया और हमें लाइन ज्वाइनिंग की, तो ट्राइंगल हमारा एल एम एन बन जाएगा. ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.5 इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है. ओके, तो आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो. थैंक यू.